हूँ। जितने भी गरीब हैं या कोई भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्री ट्रीटमेंट है, इसमें कोई पैसे का हदिया नहीं है, सिर्फ अल्लाह की राह में दे रहे हैं, अल्लाह शफा दिया है इसमें। और मैं जो है इंशाल्लाह 4 बजे से शाम में 8 बजे तक देता हूँ, मशीराबाद बड़ी मस्जिद के पीछे 4M होटल है लतीफ़ भाई की, उसमें जो है देता हूँ डेली। जितने भी आप जितने कोशिश करिए कि आप लोग इस चीज़ को पहुँचाइए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शफा दिया, इसमें कोई साइड इफेक्ट 101% साइड इफेक्ट नहीं है, अल्लाह ने शफा दिया है। आप ज़रूर इसको इस वीडियो को जितना हो सके आप जो है दूर से दूर पहुँचाइए आप लोग। मैं 2 हफ्ते जाम खाया और दूसरे हफ्ते के तीसरे जाम में मेरे को 18.5 mm का स्टोन निकला जो ब्लैडर में फंसे हुआ था। डॉक्टर एम ए रॉफ बोल के यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने मेरे को बोले थे 1.5 लाख रुपए लगेंगे ये शूट करने के लिए, और अगर शूट नहीं हुआ तो सीजरिंग करना पड़ता बोल के बोले थे। लेकिन मैं जो है कार्डियो पेशेंट हूँ, तो कार्डियोलॉजिस्ट मेरा जो डॉक्टर है कंसल्टेंट, वो बोला नहीं आपको सीजरिंग नहीं कर सकते, आपको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, अगर लेज़र से शूट करके निकालना है तो निकालो। तो डॉक्टर वो गारंटी नहीं लिया कि लेज़र से शूट होगा बोल के। फिर मेरे को पता चला ये साहब जो है 4M होटल पे दवा देते बोल के, मैं आके लिया यहाँ से दवा, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्लैडर में जो स्टोन फंसा हुआ था वो निकल गया 18.5 mm का। राइट किडनी में मेरे 3 स्टोन है और लेफ्ट में 3 है, जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, 44 mm का था 21 mm का हो गया वो, और बाकी बिल्कुल बारीक 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 ब्लैडर में तिर रहे वो भी फ्लश हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन दवा खाने के बाद ये शफा हुआ आपको? मैं 1, 3, 6, 8 दिन खाया मैं दवा, 9 दिन का जो जाम खाया मैं उसमें पूरा फ्लश हुआ मेरा। ये कैसा निकला? कोई स्टोन यूरिन के थ्रू निकला? बिल्कुल, मेरे पास पिक्चर भी है, आपको पिक्चर भी दिखा सकता हूँ वो स्टोन की। इसका जो है मेन टिप जो है आया था वो उसको पकड़ में बाहर खींचा, पूरा स्टोन निकला, वो 18.5 mm का स्टोन ही है जो ब्लैडर में फंसे हुआ था, यूरिन ब्लैडर में। ये दवा कितने दिन खाए आप? एक हफ्ता 10 दिन खाया। तो क्या हुआ दवा खाए तो? आप दवा खाए तो मेरा कंकर ऑटोमेटिक टॉयलेट में गिर गया, मोशन यूरिन के थ्रू निकल गया। यूरिन के थ्रू निकल गया। तो फिर आप दोस्तों को भी लेके आए? हाँ, दोस्तों को भी लेके आया। मैं हॉस्पिटल गया था इससे पहले। क्या बोला डॉक्टर? 60,000 खर्चा होता बोल के बोला, ऑपरेशन करके निकालेंगे बोल के बोला। तो मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी, ऐसा इनको फेसबुक में यूट्यूब में देखा था, यहाँ पे कितना पैसा खर्चा हुआ? 200-300 भी नहीं हुआ मेरा, खाली जामों का खर्चा हुआ बस, कुछ भी नहीं। कुछ पैसे लेते आपसे? नहीं, 1 रुपया। चाय भी नहीं पीते उन्होंने, अपन पिलाए तो चाय भी नहीं पीते, खाली जो खर्चा हुआ चाय का, ये जामों का खर्चा हुआ बस, कुछ भी नहीं। मैं घटकेसर से आता हूँ डेली 4 बजे से शाम में 8 बजे तक 4M होटल पे, और अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मैं 6 महीने से कंटिन्यू दे रहा हूँ, 8 से 10 हज़ार लोग लेके गए अभी तक, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उसमें शफा दिया है, और सिर्फ अल्लाह के सिवा और कोई कुछ करने वाला नहीं है। मेरी कोई हस्ती नहीं जो मेरे और कोई पैसा वैसा कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह की बस, उसकी दुआ होना है बस। कम से कम 60 से 70 लोग अभी आ रहे हैं, पहले 200 तक आए थे, क्योंकि मेरी कैपेसिटी मैं दे नहीं सका बोल के कम करके जो है अभी 180-190 ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह डेली आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने काफ़ी लोगों को शफा दे रहा है, 18-20 mm तक निकल गया कंकर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसका कोई परहेज वगैरह भी रहता है? जी हाँ, पालक और टमाटर नहीं खाने का है, और जो है पानी ज़्यादा मकदार में पियेंगे तो आप कभी भी आपको कंकर नहीं आएंगे अल्लाह चाह तो इंशाल्लाह ताला। कितने दिन का इलाज रहता है आपका, और ये कैसा रहता है, किस में डाल के देते हैं आप? ये जाम में डाल के देते हैं, और 3 दिन का इलाज रहता है, छोटा 6 mm अगर है तो 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाएगा, 12 mm का है तो 6 दिन में, मतलब 2 हफ्ते में, 18 mm का है तो 3 हफ्ते, तो ऐसा ये पीरियड है इसका अल्हम्दुलिल्लाह, मगर सक्सेसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर नहीं बैठता। अगर ऑपरेशन कराएं तो उसमें फिर बैठने के चांसेस रहते, सुने फिर भी अल्लाह चाहा तो क्या नहीं होता, बड़े से बड़ा पहाड़ निकल जाता, ये तो अल्लाह दिए सो नेमत है, और अल्लाह इसमें शफा दिया है, हजारों लोगों को शफा हुआ है, और अल्लाह शफा देगा इंशाल्लाह आइंदा। आपके पास कहीं दूर दूर से भी लोग आते हैं? मेरे पास से देखिए दिल्ली से आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यूपी से आए हैं, और सऊदी, खतर, अमेरिका भी गई अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से, अल्लाह ने उनको भी शफा दिया है, वो लोग शुक्रिया अदा करें मेरा फोन पर,
बस उतना ही। और हर स्टेट से, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बेंगलोर, हर स्टेट से आए अभी तक 6 महीनों में, काफी अल्हम्दुलिल्लाह। उसका तरीका क्या होता है खाने का? बस वे नहार पेट खाने का है, 6 बजे अगर खा लिया फजर की नमाज पढ़ लेके, तो 2 घंटे के बाद आप उसको पानी ज्यादा पीना, नाश्ता करे बाद पानी पी लेके आप जो है, और गोश्त वगैरह नहीं खाना, पालक टमाटर नहीं खाना, ये वो जो है जो गोश्त खाने से भी जो है थोड़ा नुकसान होता है, और पानी ज्यादा पीना, और फ्रिज में न रखना, ये जो है बाहर रख देना और सुबह सुबह खा लेना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 3 दिन की देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जी हाँ 3 दिन 3 जाम दे देता हूँ, एकदम 3 दिन खा लेके एक हफ्ते के बाद फिर आते 12 mm का रहा वाले, अगर 6 mm का भाई कम होगा अल्हम्दुलिल्लाह बोल के शुक्रिया अदा कर देते वो लोग। हाँ 30 mm निकला, एक है हमारे सिद्दीपेट का बच्चा, यहीं रहते हैं उन्होंने, तो उनको जो है उन्होंने निकाले और अल्हम्दुलिल्लाह निकाला, और एक एक भाई है हमारे अब बैठे हुए हैं अभी, उनको भी जो है अल्लाह फैफा दिया। कितने दिन से कर रहे हैं आप, कितने टाइम से? ये तो मैं ऐसा कर रहा हूँ 4 साल से, मगर अब एकदम मेरा दिल में बोला चलो अल्लाह की राह में ये काम करेंगे, पैसा तो क्या, पैसा रहने वाली चीज़ नहीं है, आखिरत का सौदा है, कर लेंगे बोल के मैं सोच। अल्लाह ताला आपको ये चीज़ दिया है, तो आपके आप ज्यादातर आजकल ये चीज आने पर लोग ये कहते हैं कि इससे कुछ पैसा कमाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा खींचेंगे, वो चीज आपके दिमाग में नहीं है, सिर्फ आप राहिल्लाह में कर रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर हूँ उस चीज से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे को इधर नहीं तो कहीं से नवाजेगा, मेरे आला औलाद को नवाजेगा, मेरे को जो है पैसे का कोई वो नहीं है, और रास्ता किसी से हम वो ये नहीं करें अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब रकम कोई पैसा नहीं लेते, फ्री एकदम फ्री देते हैं, बिल्कुल फ्री। एक ऐसा है 5,000 रुपए भी लाके दिए तो मैं वापस कर दिया, अल्लाह मैं सिर्फ अल्लाह का नाम लिया हूँ, और एक साथ 2,000 लाके दिए नहीं ले रहे तो हमारे लतीफ भाई जो होटल है फोरम होटल जो ओनर है उनको लाके दिया तो नहीं नहीं उन्होंने बोले नहीं पैसे नहीं लेते, ऐसा ऐसे है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उम्र के लोग से स्टार्ट होता है, कहाँ तक के उम्र के लोग खा सकते हैं इसको? ये 18 से लेके 60 साल तक खा सकते हैं। हाँ से कम लोग ये दवा नहीं खा सकते? नहीं, 10-12 साल में तो कम उम्र ही बच्चे रहते हैं, क्योंकि तो बस उतना ही है। आयशा बाजी बोल के मुजाहिद भाई हैं, उन्होंने मेरे को दिए थे तो मैं बोला चलो अल्लाह जब एक दिया तो उसको जो इस्तेमाल करो, अल्लाह की राह में इस्तेमाल करो। अल्लाह ने काफी लोगों को अल्लाह ने शफा दिया है, और काफी पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे, 70-80 लोग डेली जो है अल्हम्दुलिल्लाह रोज लेके जा रहे हैं। आप लोग भी जो है जितने भी देख रहे हैं लोग, आप जरूर आइए, अल्लाह ने इसमें शफा दिया है। दोस्तों प्लीज हमारे मीडिया टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये बाजू वाले बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर दबाइए, ताकि हमारे लेटेस्ट रोजाना आने वाले न्यूज आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।